गुड मॉर्निंग, मैं आर डी स्टूडेंट क्लास इलेवेंथ। इलेवेंथ में मैंने जो लास्ट टॉपिक आप लोग पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं आप लोग पढ़ाऊंगा यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ाऊंगा? यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिटी, नोन एज यूनिट वेक्टर। द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड यूनिटी नोन एज एज यूनिट वेक्टर। ठीक बेटा, इसको हम कैसे समराइज करते हैं? इसको करेंगे ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, यानी एन कैप होता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, यानी वैल्यू जो निकलेगी एन कैप इक्वल टू आएगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड निकल के आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग जीरो वेक्टर। किसकी बात करेंगे? जीरो वेक्टर। वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। द वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उस वेक्टर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसा होता है वैसा रहता है। अगर किसी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर को माइनस करेंगे तब भी कोई डिफरेंस, कोई मतलब खास डिफरेंस नहीं होता जाके। अगर हम किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर भी क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर में हम जीरो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिवाइड। तो ये जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट इज जीरो वेक्टर? द वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज जीरो नोन एज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करेंगे तो उस वेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही इंटू करेंगे तो इफेक्ट पड़ जाता है, वो वेक्टर भी जीरो हो जाता है। अगर डिवाइड करेंगे तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब लोग बात करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर। इसमें हम बात करेंगे जो यूनिट वेक्टर की बात करते हैं इन प्लेन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन फिगर में कैसे हम वेक्टर को रिसॉल्व करते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, पहले हम टू डायमेंशन की बात करेंगे। मान लिया कोई एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई एक वेक्टर दे रखा है आपका यहाँ पे आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ए दे रखा है ए वेक्टर, सॉरी यहाँ पे कोई वेक्टर ए दे रखा है जिसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ये होगा ए एक्स वेक्टर, ये आपका होगा ए वाई वेक्टर। तो जो एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो बेटा होता है आई कैप। क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। ठीक बेटा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई होता है जे कैप। तो यहां से अगर हम निकालेंगे ए वेक्टर तो ए वेक्टर को क्या आएगा? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आएगा? ए वेक्टर। कैसे? ऐसे ड्रा करके। ठीक है, अब इनको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। हमें कैसे लिखना है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में? तो हमें पता है यूनिट वेक्टर आई कैप इक्वल टू क्या हो? ए वेक्टर एक्स अपॉन मॉड ए वेक्टर एक्स। तो आई कैप इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर एक्स अपॉन ए एक्स। तो ए वेक्टर एक्स इक्वल टू ए एक्स आई कैप आएगा,
जे वेक्टर कुल क्या आएगा, ए वाई वेक्टर अपॉन मॉड ए वाई वेक्टर, जे वेक्टर कुल आएगा ए वाई वेक्टर अपॉन ए वाई, तो यहाँ पे ए वाई वेक्टर कुल क्या आएगा ए वाई जे के, तो ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में आ गया। यहां से ए वेक्टर कुल आपका था ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू ए जाएगा ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, ये आपका हो गया टू डायमेंशंस के लिए थ्री सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। कैसे हम सॉल्व करते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे यूनिट वेक्टर फॉर्म में, ए एक्स क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर का और ए वाई क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई वेक्टर, वाई एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड होगा। चलिए अब हम बात करेंगे, जो हम बात करने वाले हैं थ्री डायमेंशन फिगर, थ्री डायमेंशन फिगर की बात करेंगे, तो वहाँ थ्री एक्सिस होंगे आपके, जब थ्री एक्सिस होंगे तो हम कैसे रिसॉल्व करते हैं, तो हम मान लिया यहाँ थ्री डायमेंशन है इस प्रकार, ए कोई एक वेक्टर ए दे वेक्टर दे रखा है, ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर ए जेड वेक्टर, थ्री डायमेंशन फिगर है बेटा आपका, तो यहाँ से ए वेक्टर कुल बेटा क्या होगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, जैसे अभी पिछला साल को रहा सेम उसी प्रकार निकाल लेंगे। कैसे ए वेक्टर कुल आएगा ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर ए जेड वेक्टर, जब इनका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई का जे कैप होता है और जेड का क्या होगा के कैप। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर आपको बताया था, जैसे ए एक्स का निकालेंगे तो ए एक्स वेक्टर अपॉन मॉड ए एक्स आई कैप, यहाँ से आई कैप आपको क्या आता था ए वेक्टर एक्स अपॉन ए एक्स, तो ए वेक्टर एक्स अपॉन ए एक्स आई कैप, ऐसे ए वेक्टर वाई इक्वल टू ए वाई जे कैप, ऐसे ए वेक्टर जेड इक्वल टू ए जेड के कैप। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान देखिएगा बेटा, अब हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम लोग दूसरे नेम भी बोलते हैं, जो दूसरा नेम इसका होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मल्टीपल ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। मान लिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपका बी है, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इक्वल होगा, मान लो दोनों थीटा एंगल पे इंक्लाइन है एक दूसरे से, तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका ए इसका बी और कोसाइन एंगल बिटवीन देम, यानी उनके बीच के एंगल के, ठीक है। तो क्या बोलेंगे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द इट इज मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ध्यान से देखिएगा यहाँ से क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुड ए बी कॉस थीटा, ठीक बेटा आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपको बताया स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, स्केलर प्रोडक्ट बताया कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors is equal to the magnitude of product of magnitude of two vectors and cosine angle between them, ठीक है। अब इसकी property बताएंगे, property क्या होती है, पहली property लिखेंगे हम लोग scalar product is commutative, ठीक है ध्यान सुनना क्या होता है, the scalar product is commutative, कैसा होता है
जैसे हमने लिखा ए वेक्टर बी कुल क्या आ गया बेटा, बी वेक्टर ए, ये होता आपका स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव। ए वेक्टर बी इक्वल होता बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कैसे होता है ध्यान सुनिएगा, मुझे पता है ए वेक्टर बी इक्वल क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब हम बी वेक्टर एक बात करेंगे तो किस प्रकार होगा, तो एंगल कितना होगा 360 कॉस थीटा, तो होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल क्या होगा बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, तो बी ए वेक्टर इक्वल क्या होगा बी ए कॉस थीटा, तो आरएचएस साइड दोनों की इक्वल है तो एलएचएस भी आपका क्या हो जाएगा इक्वल, तो क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्या बेटा कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी लिखा हुआ है वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब देखा तीसरी प्रॉपर्टी इसकी जो होती है, दो स्केलर प्रोडक्ट ए दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या आता है जीरो आता है, क्या आता है रिलेटेड क्या आता है जीरो, एक वेक्टर ए हो गया दूसरा वेक्टर बी हो गया, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मली है ए वेक्टर बी वेक्टर तो उनका मैग्नीट्यूड क्या है जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस 90 कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या जाएगा आपका जीरो, अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है इसके तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। चलो आगे बात करते हैं।